आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, साथ में बहुत ही सिंपल सी रेसिपी भी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बता देती हूँ सरप्राइज क्या है। आज की वीडियो में आपको एक गिव अवे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करना और इसको जीतना काफी सिंपल है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ में मेरे चैनल शेरास किचन को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आपको ओडी यूनिरैप चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ये गिव अवे उन्हीं की तरफ से है। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने वाले 20 लकी कंटेस्टेंट को ओडी यूनिरैप की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जो कि आपके किचन के लिए काफी यूजफुल है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको ये बताना है कि आप ओडी यूनिरैप पेपर और इको बेक पेपर दोनों को आप किस तरह से यूज करेंगे। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम है। 1 वीक के अंदर आपको कमेंट करना है। फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और वेट लॉस के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस रेसिपी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो 0% है। तो रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल ली है और उसको वॉश करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए भिंगा दिया था। यहाँ पे ये दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से भींग गई है। अब इसको ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको इडली बैटर के कंसिस्टेंसी का ग्राइंड कर लेना है। आइए मैं थोड़ा सा आपको इस पेपर के बारे में बता देती हूँ जो आपको गिव अवे में मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो पेपर है वो ओडी का इको बेक पेपर है। इको बेक पेपर का मतलब ये बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, ये नॉन स्टिकी है, हेल्दी है, आप इसको रीयूज कर सकते हैं। और जो सेकंड पेपर है वो है यूनिरैप। इसको आप एल्युमिनियम फॉइल की जगह यूज कर सकते हैं। एल्युमिनियम वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है, तो ये पेपर फॉइल है और ये भी इको फ्रेंडली है। इसमें अगर आप पैक करके खाना देते हैं तो आप उसको रीहीट कर सकते हैं। ये नॉन स्टिकी तो है ही है, साथ में ग्रीस प्रूफ भी है। आप इसमें पूरी पराठे कुछ भी दे, ये आपके पेपर में नहीं लगता, पेपर बिल्कुल ग्रीस प्रूफ रहता है। ओवन सेफ है, आप इसको किसी भी ओवन में, माइक्रोवेव हो या ओटीजी हो, दोनों में यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक बहुत ही अच्छा सा इस पेपर के साथ ब्लेड मिलता है, जिससे आप पेपर को बहुत ही अच्छे से कट कर सकते हैं। जितने साइज का आपको पेपर चाहिए उस साइज के पेपर को आप बहुत ही आसानी से इस कटर से कट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही पेपर, इको बेक और यूनिरैप, आपके किचन के लिए काफी यूजफुल है। और ये इको बेक पेपर जो है वो 2 साइज में अवेलेबल है। आपको जिस भी साइज का चाहिए आप उस साइज का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इस गिव अवे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए और अपना प्राइज जीतिए। बैटर यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है और एक बोल में इसको ट्रांसफर कर दिया है। और अब इसको डिलीशियस बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे ये तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और उसमें थोड़ा सा राई ऐड किया है। राई जैसे ही फूटनी शुरू होगी उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हींग, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ में मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा करी पत्ता। और उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़े से हरे मटर, फ्रोजन वाले हैं, ये भी थोड़े से ऑयल में सौते हो जाएंगे, काफी टेस्ट बढ़ जाता है इनका। और साथ ही में यहाँ पे मेरे पास है ये रेड शिमला मिर्च, इससे थोड़ा सा कलर ऐड होगा और साथ में हमारी रेसिपी का टेस्ट जो है वो भी एनहांस हो जाएगा। बस अब इनको ज्यादा नहीं कुक करना है, गैस को ऑफ कर देंगे। और इसी के साथ इसमें कुछ वेजीज भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे ये ग्रेटेड नारियल, इससे भी काफी टेस्ट एनहांस हो जाता है। आपको पसंद हो तो ऐड करिए, वैसे एक बार आप इसको ऐड करके ट्राई करिएगा। साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और इसी के साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच के करीब दही। और अभी इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल इस तरह की रहनी चाहिए, तभी आपकी इडलियां जो है वो अच्छी बनेंगी। और अब इस बैटर से इडलियों को रेडी करेंगे। और अब हम इन इडलियों को ओडी इको बेक पेपर यूज करके बनाएंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी प्लेट को ग्रीस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपको पेपर को निकालना है और ब्लेड की हेल्प से इस तरह से पेपर कट कर लेना है। इस इको बेक पेपर को हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और कट करके इन प्लेट के ऊपर प्लेस कर देंगे। इस तरह से आपको प्लेट के ऊपर इस इको बेक पेपर को प्लेस कर देना है। और अब इसके ऊपर इडली का बैटर पोर करेंगे। और बैटर पोर करने से पहले इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा इनो। तो इस बैटर में मैं पूरा ये 1 पैकेट इनो ऐड कर रही हूँ। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब पेपर प्लेस करने के बाद इस इडली के बैटर को पेपर के ऊपर पोर कर देंगे। और अब इन इडली को स्टीम कर लेंगे। और इनको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब 10 मिनट के लिए इन इडलियों को स्टीम कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारी शानदार सी इडली जो है वो रेडी हो गई है। इस तरह से आप नाइफ से इसको चेक कर लीजिए, नाइफ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है।
यानी हमारी इडली जो है वो कुक हो गई है, गैस को ऑफ कर देंगे और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पेपर को यूज करने के बाद आपकी इडलियाँ जो है वो कितनी आसानी से निकल जाएंगी और आपका इडली का प्लेट जो है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये इडलियाँ जो है वो इस पेपर से निकल जाती है और आप इस पेपर को दोबारा से रीयूज करके फिर से इडलियाँ बना सकते हैं। ये देखिए इडलियाँ गर्म है फिर भी बहुत ही आसानी से इस पेपर से निकल जाती है और ये पेपर देखिए स्टीम करने के बाद भी बिल्कुल खराब नहीं होता, आप इनको दोबारा यूज करके इडलियों को बना सकती हैं। देखा ना आपने कितने काम का है ये पेपर। अभी इडली प्लेट को आपको ऑयल से ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इको बेक पेपर से लाइन कर लीजिए और इस तरह से आपकी शानदार इडलियाँ जो है वो बन के रेडी हो जाएंगी। और ये देखिए प्लेट जो है वो बिल्कुल गंदी नहीं होती, सिर्फ पेपर का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कट करिएगा, आपका प्लेट भी गंदा नहीं होगा और दोबारा इस पेपर को यूज करके आप इन इडलियों को दोबारा बना सकते हैं। तो स्टीम करने से भी ये पेपर बिल्कुल खराब नहीं होता और इस तरह से देखिए पेपर फोल्ड होने से इडलियों में काफी अच्छा सा शेप आ जाता है, तो बच्चे इसे काफी एंजॉय करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे टेस्टी और हेल्दी से इडली जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको किसी भी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय करिए। और अब मैं आपको यूनिरैप पेपर के बारे में बता रही हूँ। इस तरह से जो डॉटेड लाइन दिया गया है आप वहां से इसको फोल्ड करिए और उसके बाद यहाँ पे स्टील का बहुत ही अच्छा सा कटर दिया हुआ है जिससे ये पेपर जो है बहुत ही आसानी से कट जाता है। ये देखिए इस तरह से। और इसमें जब आप रैप करके कोई भी फूड अपने बच्चों को देते हैं या हस्बैंड के लंच बॉक्स में देते हैं तो काफी हेल्दी रहता है। ये एल्युमिनियम फॉइल की तरह आपके फूड में कोई भी टॉक्सिक मटेरियल रिलीज नहीं करता, तो इसलिए काफी सेफ है। तो इस तरह से जब आप कोई भी चीज इसमें रैप करके और टिफिन पैक करते हैं तो काफी हेल्दी ऑप्शन है। ये हेल्दी के साथ साथ आप इसी पेपर में इस फूड को रीहीट भी कर सकते हैं। आप इसे इस पेपर में लपेट के माइक्रोवेव कर लीजिए। तो इस तरह से ये पेपर जो है वो काफी हैंडी होता है। आप भी इस पेपर का यूज करना चाहते हैं तो पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके लिंक को चेक करिए। और अगर आपको चाहिए तो अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी काफी यूजफुल है। अगर आपको भी ब्रेकफास्ट में सिंपल टोस्ट एंजॉय करना पसंद है लेकिन आपके पास ब्रेड टोस्टर नहीं है तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से बिना हैसल के सिंपल सा टोस्ट रेडी कर सकते हैं। तो इसको रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और अब इस पैन को जो ये उड़ी का इको बेक पेपर है उसे लाइन कर देंगे इस तरह से और अब इसके ऊपर जो हमें ब्रेड को टोस्ट करना है उसको प्लेस कर देंगे इस तरह से और उसके बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और अभी आप देखिएगा कितनी आसानी से इस पेपर से लाइन करने से आपके जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी से टोस्ट रेडी होंगे और पेपर यूज करने से आपका पैन भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आपके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका टोस्ट रेडी हो जाएगा और दूसरा अगर आप बर्तन धोना पसंद नहीं करते तो इस तरह से आपका बर्तन भी बिल्कुल साफ रहेगा दोबारा यूज के लिए। तो ये देखिए इस पेपर को यूज करने से बिल्कुल क्रिस्प और करारा आपका टोस्ट जो है वो रेडी हो जाता है, जिस तरह का आपको चाहिए बिल्कुल उसी तरह का क्रिस्पी टोस्ट बिना टोस्टर के बन के रेडी होगा। अगर आपने नॉर्मल पैन या तवे पे किया तो बिना घी के अगर आप ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो ब्रेड जो है वो तवे से चिपकने लगती है, तो उस परेशानी से भी आप यहाँ पे बच सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी से हमारे टोस्ट जो है वो बन के रेडी हुए हैं। आप इस टोस्ट को जिस तरह से चाहे उस तरह से एंजॉय करिए। और ये जो पेपर हमने यूज किया है इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये देखिए ब्रेड को टोस्ट करने के बाद भी बिल्कुल पैन गंदा नहीं हुआ है और इस पेपर पे जो भी पार्टिकल्स गिरे हैं इनको सिर्फ झटक के साफ कर लीजिए और इसको फोल्ड करके रख दीजिए। आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज करना है मैं आगे की ट्रिक में आपको दिखा रही हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी हमारे डेली लाइफ में काफी यूजफुल है। अक्सर क्या होता है हम कितनी भी एक्यूरेसी से कोई भी खाना बनाए थोड़ा बहुत खाना बच ही जाता है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लंच में ये जीरा राइस बनाया था तो उसमें से थोड़ा जीरा राइस जो है वो बच गया है। तो मैं यहाँ पे इसको रीहीट करने का एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक बता रही हूँ जिससे न तो आपका बर्तन गंदा होगा और आपका जीरा राइस भी बिल्कुल परफेक्ट रीहीट होके तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना है। तो इन चावलों को प्रीहीट करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है और इस पैन में मैं सेम वही पेपर यूज कर रही हूँ जिसको कि हमने टोस्ट बनाने के लिए यूज किया था। और अब उसके ऊपर इस चावल को प्लेस कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से पानी स्प्रिंकल कर देंगे या पानी ऐड कर देंगे और अब इसको ढक्कन लगा के इस तरह से हीट कर लेना है। इसी मेथड से आप अपने बचे हुए पोहे उपमा शीरा हलवा इस टाइप के जितनी भी रेसिपीज हैं इस मेथड से आप उसको रीहीट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना शानदार सा चावल जो है वो रीहीट हो गया है, बिल्कुल आपको ये फ्रेश चावल की तरह फील होगा। ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना जो है वो पहले जैसा इसका खिल गया और जो भी इसमें आपने घी या बटर जो भी यूज किया था वो भी बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो जाता है। और इस पेपर को यूज करने के फायदे देखिए, पैन अभी भी बिल्कुल आपका साफ है। आप इस पेपर से चावल को निकाल लीजिए
और वापस से आप इस पेपर को यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने पेपर से जो ये रीहीट वाला चावल था उसको बोल में निकाल लिया है। और अब आप इस पेपर को देखिए, इस पेपर में चावल को रीहीट करने के बाद भी इसमें कोई भी ऑयल या घी का से नहीं लगता। और ये थर्ड टाइम भी आप इस पेपर को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने पूरी वीडियो देख ली, तो कौन सा टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस गिव अवे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट जरूर करिए। कुछ आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ आइडियाज आपको शेयर करने हैं कमेंट सेक्शन में। और आप सभी को विनर बनाए इस गिव अवे कॉन्टेस्ट का, तो ज्यादा देर नहीं करिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।